बनाने का हम जो है शुरुआत कर रहे हैं। और ऑल इन वन यूट्यूब चैनल में आपके लिए ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए, उन सीखने वालों के लिए भी काम आने वाला है जो पहली बार ढोलक सीखना चाह रहे हैं। तो जैसा कि मैंने हारमोनियम की क्लासेस में बताया था कि सबसे पहले आपकी अंगुलियों का खेल है, आपकी अंगुलियों को, चाहे ढोलक हो, तबला हो, हारमोनियम हो, अंगुलियों को बताना पड़ता है कि कौन सा स्वर कहाँ से और कैसे निकलने वाला है जी। तो जैसे आप ढोलक तैयार कर रहे हैं, ढोलक सीख रहे हैं, तो ढोलक सीखने में ये आपका ये धा का थाप निकलता है इधर, ये इसमें ता और ना निकलता है जी सर। तो हाँ, तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि आप जैसे दाहिना हाथ तो लगभग सभी का चलता है, जो लेफ्ट हैंडर्स हैं वो उनके लिए भी यही है कि आपको सबसे पहले ये रियाज करना है जी, क्योंकि जी, ये इसलिए रियाज करना है बच्चों कि जब आप तबला बजाते हैं तो तबला जो है हमारा राइट हैंड से ही निकलता है जी सर। तो सबसे पहले आपका ये रियाज होगा। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अंगुलियों में सबसे फर्स्ट ट्राई आपको करना है, ये कहलाती है तर्जनी और ये कहलाती है अनामिका जी सर। तो अनामिका जो है इसको यहाँ पे अपन हिट करते हैं जी सर, तो आवाज निकलती है ना, मध्यमा को ऊपर रखना तो हाँ मध्यमा ऊपर रहेगी, ये मध्यमा ऊपर रहेगी जैसे कि अभी जो बात की। तो ये यहाँ पे जो पूरा ये स्पेस है तो इसमें बीच में अभी आपको नहीं मारना इसको जी सर, इसमें जो आप हिट करेंगे तो ये किनारे पे लगती है ये जी सर, और ये बीचों बीच आती है ये, तो इसमें ये ताल निकलेगा जी सर। अभी आपको सिंपली कैसे अभ्यास करना है ये करना है ये जी सर, जी सर। ये अभी इसको दबाए रखो है ना जी सर, जी सर। ये करना है बार है ना, तो ये अभ्यास जब आपको ये आ जाएगा ये वाला ताल, ये स्वर देखें आप जब इसमें आप हिट कर रहे हैं तो ये आएगा, क्योंकि और कहीं मारोगे तो ये देखो आप ये गलत आ रहा है, ये कहीं भी आप करोगे तो ये गलत आ रहा है ये अंगुली, पर यहाँ जब लगाओगे ये देखो आप ये स्वर को पकड़ना पड़ेगा, ये आना चाहिए जी सर, जी सर, जी सर। अब ये दोनों का स्वर नोटिस कर लो और ये स्वर आपको निकालना है जी, सबसे जी पहले अभ्यास करने वाले ढोलक के विद्यार्थियों के लिए ये सबसे पहली क्लास होगी कि आपको तर्जनी और अनामिका से जो स्वर निकलना है वो ये निकलना चाहिए जी सर, जी सर, ये जी सर। अब ये इस हाथ का अभ्यास हो जाता है, फिर हम इसमें बाएं हाथ के लिए जाते हैं। तो बाएं हाथ के लिए आपको इसमें अगर आप कहीं भी ऐसे हाथ मारेंगे तो अलग अलग ध्वनि आएगी जी सर। तो इसमें आपको ये देखना है कि आपको ये जब इसमें आप हिट करेंगे तो उसमें वो साउंड होना चाहिए धा वाला है ना, क्योंकि जब आप इसको यदि दबा दोगे तो गा निकलेगा, तो हमें धा चाहिए प्रारंभिक अभ्यास में, हमें ये करना है। तो ये कैसे मारा जाता है ये बहुत बारीक चीज है, आप डायरेक्ट ऐसे मारोगे तो स्वर नहीं निकलेगा क्योंकि आपकी जो हथेली है इसमें चिपक गई जी सर। अब आपको इसमें ऐसे हिट करना है कि ये आपका जो है लगते ही इसमें हल्का सा ऊपर उठेगा, ये आपका आगे का हिस्सा जो है हल्का सा ऊपर की ओर उठेगा तो ये स्वर निकलेगा, देखे ये धा निकल रहा था साथ, तो ये आपको अभ्यास करना है। तो पहले आपके लिए अभ्यास करना है अंगुलियों का ये वाला, ये देखें आप ये वाला जी सर, जी सर। और ये वाला अभ्यास जो होगा इसका ये होगा जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल हम इसमें अगला स्टेप